Assalamualaikum alaikum and welcome to all the wonderful students who have joined us in this video. So, we are going to continue the series for final term preparation of CS432, that is network modeling and simulation. And as you can see, we have lecture number 101 se jo hai wo continue. Karna. और ये जो है ओवरऑल आपका जो है वो वीक एट है ठीक है अच्छा जी अब सबसे पहले बात आ जाती है एफ़ टी पी एफिशियसी की जब हमने कहा कि हमने एफ़ टी पी एफिशियसी को डिस्कस करना है तो एफ़ टी पी का जो है आपने एब्रीविएशन यहाँ पे याद रख लेना है विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो कहने का मकसद है कि ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल्स को किसी भी डेटा को डेटा फाइल्स को सेंडर से रिसीवर तक सक्सेसफुली और सेफली पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल उसको हम कहते हैं एफ़ टी पी अच्छा अब एफ़ टी पी का अगर वो आपसे आप पेपर में पूछ लेता है कि ऑपरेशन या उसका मैकेनिज्म या उसका क्या प्रोसीजर वो फॉलो करता है तो यहाँ पे देखें ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है एक है एफ टी पी क्लाइंट एंड देन यू हैव आई एफ टी पी सर्वर ठीक है तो टी सी पी लाइक हमेशा क्लाइंट की साइड से जो है वो कनेक्शन स्टार्ट होता है ना तो क्या होगा कि ये जो एफ टी पी क्लाइंट है ये कॉन्टेक्ट करेगा एफ टी पी सर्वर से और आ, किस पोर्ट के ज़रिए अब डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जैसे आ, उनमें से हम किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट को जो है अपनी नीड के मुताबिक सर्वर से कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो एफ़ टी पी क्लाइंट इस केस में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट ट्वेंटी वन के ज़रिए उसने एफ़ टी पी सर्वर से जो है वो पहले क्या किया कॉन्टेक्ट किया फिर क्लाइंट को जो है वो ऑथराइजेशन लाइक पावर्स मिल गई या सर्वर ने उसको ग्रांट कर ली ग्रांट कर दी या उसको प्रिविलेज दे दी सर्वर ने परमिशन दे दी क्लाइंट को कि हाँ तुम जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा कि सर्वर को कुछ Uh, जो है वो कमांड्स रिसीव होंगी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मैकेनिज्म देख रहे हैं ना तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट है की सर्वर को कि कुछ फ़ाइल्स का ट्रांसफ़र जो है वो कनेक्शन uh, में उन्होंने यूज़ करना है तो फिर सर्वर जो है वो हमेशा क्या करता है कि टी कनेक्शन को ओपन करता है देखें कनेक्शन या ओवरऑल जो लिंक होता है कॉन्टैक्ट होता है वो स्टार्ट करता है क्लाइंट और फिर सर्वर एक्सेप्ट करता है कि उसने रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो टी सी डेटा कनेक्शन को ओपन कर देता है क्लाइंट के लिए और फिर जब ट्रांसफ़र हो जाती हैं फाइल्स तो फिर कनेक्शन हो जाता है क्लोज अब यहाँ पे एक आ जाता है फॉमूला कम्पटेशनल एफिशियसी फ़ाइंड करने के लिए किस चीज़ की कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी एफटीपी की एफटीपी क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इसकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी के लाइक इन टर्म्स ऑफ कम्पटेशन या कैलकुलेशन के हिसाब से ये कनेक्शन या ये प्रोटोकॉल कितना ज़्यादा एफिशियट होता है किसी भी कनेक्शन कह लें या कम्युनिकेशन के लिए तो अब यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं और देखें जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कंप्यूट करेंगे कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट मिलियंस ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस पर मेगाबाइट मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा फॉर एग्जांपल अगर इस पूरी कैलकुलेशन का मेरे पास आंसर आता है फाइव तो उसके यूनिट्स होंगे फाइव मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मेगाबाइट क्यों क्योंकि ये एक दो इंस्ट्रक्शंस तो नहीं लाइक like आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती millions of instructions, deep down हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डीप डाउन जो है वो हमारे कोड में ही होती हैं जो नेटवर्क आपस में फ़ाइल्स आपस में, में लाइक शेयर कर रहे हैं अच्छा अब यहाँ पर टी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ सी पी फिर आई क्या है मैय सी पी जिस टाइम पे जब आपकी मशीन जो है वाइडल होगी और एम आई पी एस के है मशीन परफॉर्मेंस रेटिंग और इसका यूनिट भी सेम यही वाला है फिर उसके बाद टी रेट क्या है ट्रांसफ़र रेट ठीक है अब इसके यूनिट्स और एब्रीविएशन आपने अच्छे से देख लेने हैं और इस तरह का कोई नोमेकल अगर आ जाता है जिसमें आपको टी सी पी यू आई सी पी यू एम आई पी एस और टी रेट की वैल्यूज़ दी होंगी तो बस आपने ये वाला फॉमूला याद रखना है और इनके छोटे छोटे जो हैं वो एब्रीविएशन याद रख लेने हैं और ये वाला यूनिट आपने देख लेना है ताकि अगर कोई लॉन्ग वगैरह में भी नोमेकल आ जाता है दैन आपसे हो जाएगा सॉल्व अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती स्केलेबिलिटी की अच्छा अब यहाँ पे देखें एस एम टी पी स्केलेबिलिटी अच्छा एस एम टी पी पी से पता चल गया कि ये भी एक प्रोटोकॉल है मोस्ट ऑफन और एस एम टी पी क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से क्या होता है कि डिफरेंट मेल सर्वर्स और डिफरेंट एजेंट्स जो हैं वो आपस में मेल्स लाइक जो ई होती हैं या मैसेज होते हैं उनको सेंड करके और उनको रिसीव करके जो है वो अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अब ये आउट गोइंग मैसेज क्यों है और ये है यूज़र मेल बॉक्स यूज़र मेल बॉक्स जहाँ से जो है वो लाइक यूज़र्स को ई मेल्स या मेल्स या मैसेज सेंड भी किए जाएंगे और उनसे रिसीव भी किए जाएंगे ठीक है और आउट गोइंग मैसेज क्यों में होगा कि हर क्यूँ में हर मैसेज क्यूँ में जो है ये एक एक मेल पड़ी होगी जो अल्टीमेटली जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ हो रही होती है अच्छा अब स्केलेबिलिटी की हमने बात की थी स्केलेबिलिटी जो है वो होती है एबिलिटी टू ग्रो ग्रो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिस है और उसमें दस कंप्यूटर्स हैं और आपने और इम्प्लॉज़ हायर करने हैं और स्टाफ uh, आपने हायर करना है तो उनके लिए पांच कंप्यूटर आपको और चाहिए ठीक है तो आपने नेटवर्किंग की टर्म्स में इसकी टर्मिनोलॉजी में आपने कहना है कि भाई मैंने अपने नेटवर्क को या अपने ऑफिस सेटअप को स्केल करना है मेरा ऑफिस सेटअप जो है वो स्केलेबल है कि मैंने उसको मज़ीद ग्रो करना है अब जब हमने बात की कि स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग में डिफरेंट चीज़ों को आप ग्रो कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं वो आपके कितने कैंपसिज़ हैं यूज़र साइट्स कितनी हैं उन नंबर उस नंबर को एक इंक्रीज किया जा सकता है फिर आपस में जो साइट्स इंटरकनेक्ट कर रही हैं उनकी क्या टेपोलॉजी है क्या उनका लाइक शेप ऑफ नेटवर्क है उसको इन्हेंस किया जा सकता है फिर नंबर ऑफ़ यूज़र एजेंट्स नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उनको किया जा सकता है फिर मेल बॉक्स साइज़ कितना है हैं कि कितनी मैक्सिमम ईमेल्स uh, या मैसेजेस रिसीव या सेंड हो सकते हैं फिर कितने मेल सर्वर्स हैं फिर जो क्यू साइज़ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेल्स आपके पास पड़ी होंगी या मैसेजेस पड़े होंगे उसका क्या साइज़ होगा अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाता है कि एफिशिएंसी एंड स्पीड अप फॉर एसएमटीपी अब यहाँ पे जो है ना आपके पास एक फॉमूला आ जाता है आपने अगर गूगल से एल एम से स्लाइट्स डाउनलोड की होंगी तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे तो वो सिंबल्स नहीं है असल में वो ये वाले साइंस हैं मैं आपको बताती हूँ अच्छा अब ये बेसिकली क्या है कि ये आपको बताता है कि लाइक ई रिलेटिव और एस रिलेटिव इसमें ओवरऑल आपने क्या करना है आपने ये फाइंड आउट करना है कि एस एम टी पी के लिए जो है वो आपके पास कितना जो है वो टाइम लगेगा स्केलिंग के हिसाब से ठीक है फिर यहाँ पे है कि मस्ट बी नॉर्मलाइज मैन कम्पेयरिंग एस एम टी पी परफॉर्मेंस एट डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम्स कि आपने जो है वो अगर चेक करना है कि कितना डिलीवरी टाइम लगेगा तो वो डिफ़रेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अगर वो सिंगल सर्वर है आपके नेटवर्क में तो उसकी एक अलग बात होगी और इसी तरह अगर सर्वर कन्फेड्रेशन है लाइक ग्रुप ऑफ सर्वर है तो उसका जो है वो अलग हिसाब किताब होगा तो इसलिए डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर, कर रहे होते हैं आपके एस एम टी पी आपके सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी को डिटरमिन करने के लिए अच्छा अब यहाँ पे जो फार्मूला है रिलेटिव एफिशिएंसी और रिलेटिव स्पीड का अगेन आपने फॉर्मूलाज याद रख लेने हैं बेशक जो हमारे सिलेबस में आते जा रहे हैं उनके उनके नोट्स बना लें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक पेज पे फारूलाज लिख लें और एंड टाइम तक आप इनको याद कर लीजिएगा क्यों क्योंकि नोमरिकल आ जाते हैं सब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं सब्जेक्टिव और एम सी यूज़ में भी आ सकते हैं ठीक है तो अब रिलेटिव एफिशिएंसी और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं अब टी वन जो भी आपको टाइम प्रोवाइड किया होगा और यहाँ पे ये आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड की गई होगी ठीक है और नंबर ऑफ होस्ट्स भी बता होंगे तो अब यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो वैल्यूज़ करनी है लाइक टी वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन बाय ऑल द नंबर ऑफ पोस्ट ठीक है फिर रिलेटिव स्पीड के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट को आपने एफिशिएंसी से कर देना मल्टीप्लाई और ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी एज़ इट इज़ आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये हमारा नेटवर्किंग का वो है जितनी डिटेल्स आपके नोमेरिकल्स की यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगी हम उतना कर लेंगे ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की इसमें नहीं है ज़रूरत इस सब्जेक्ट में बस फॉमूलाज अच्छे से याद कर लेना अच्छा अब यहाँ पे लेक्चर 103 ज़ीरो थ्री आ जाता है जिसमें डी एन एस लोड डिस्ट्रीब्यूशन और लॉस की बात करनी है अब यहाँ पे देखें डी एन एस क्या होता है डोमेन नेम डोमेन नेम सिस्टम ठीक है और डोमेन नेम सिस्टम की लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और उसमें अगर लॉस होता है तो वो किस सिनेरियो से होता है उसमें डिफरेंट हेल्थ मैट्रिक्स इन्वॉल्ड हैं कहने का मकसद है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट स्केल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करके कंपैरिजन करके हम ये ये बात जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो आपका डी डिन, है जो डोमेन डु, नेम सिस्टम है उसकी क्या हेल्थ है लाइक like वो कितना रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है अब यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं इनके यूनिट्स फॉर्मूलाज और इस तरह की डेफिनेशन आपने साथ साथ याद कर एम सी क्यूज के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी आईबीसी क्या होता है इनकमिंग बैंडवेड कंजम्पशन और ये बेसिकली आपके पास रेशो है बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग डेटा ड्यूरिंग अ सेशन ओवर द ड्यूरेशन ऑफ सेशन मतलब एक सेशन में कितना टोटल डेटा आ रहा है डिवाइडेड बाई वो सेशन कितनी ड्यूरेशन का था ये आपको बताते हैं इनकमिंग बैंडवेड सेशन ठीक है और कंजम्पन uh, और इसकी रेंज जो है वो ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक होती है और उसके अलावा इसको मेगाबिट्स पर सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है फिर आ जाता है इनकमिंग ट्रैफिक वेरिएशन और हर सेशन के लिए अगर सेशन को आई कह दें जे के एल एम कुछ भी कह दें हर सेशन के लिए ये फॉर्मूला होगा आपके पास क्या आई बी सी आई माइनस आई बी सी आई माइनस वन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ आई तो अब इसमें आई बी सी ऑफ आई आपके पास क्या है ये इनकमिंग बैंडविड्थ है और फिर आई माइनस वन मतलब ये इनकमिंग बैंडविड्थ तो है इतनी सी और बस इसमें से आपने वन जो है वो माइनस कर देना है फॉमूला के अकॉर्डिंग और लेंथ अगेन आपके पास है ड्यूरेशन ऑफ सेशन तो देखें अगर इसकी वैल्यू लाइक एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो होती है कि कोई डेटा नहीं आ रहा या जीरो के बराबर है तो क्या होगा कि आपके पास वैल्यू इसकी वन आ जाएगी नहीं तो एक बाइनोमियल ये एक्सप्रेशन है लेकिन अगेन बस आपने इसको देख लेना है अच्छा फिर यहाँ पे देखें ट्रैफिक टॉलरेंस जो है वो असल में आपके पास आर टी टी कैलकुलेट या मैयर करने के लिए यूज़ होती है आर टी टी क्या है राउंड ट्रिप टाइम के सेंडर से रिसीवर और फिर वापस सेंडर तक पहुँचने में किसी भी डेटा या पैकेट को कितना टाइम लगता है वो होता है राउंड ट्रिप टाइम तो जो ट्रैफिक टॉलरेंस है वो राउंड ट्रिप टाइम जो है वो कैलकुलेट uh, करती है किसी भी इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट का किसी भी आईपी पैकेट का जो किसी नोड और किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के दौरान में डेटा फ्लो हो रहा होता है उसकी ट्रैफिक टॉलरेंस होती है ठीक है फिर डी क्या होता है नंबर ऑफ़ डी एन रिक्वेस्ट पर सेकेंड के एक सेकेंड में किसी सेशन में कितनी डी एन क्यूरीज़ जो हैं वो होती हैं वो ये डी बताता है फिर आर आर, आर, आर क्यू होता है कि लाइक like, रेट ऑफ रिपीटेड क्यूरीज़ इन अ सिंगल सेशन अ नेम इज़ रिजॉल्व ओनली वंस ड्यू टू कैशिंग अब जैसे मैंने आपको कल बताया था लाइक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह से होता है कि जब हम कैश कैश मेमरी का ये कह लें कि कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ऑन किया और मैंने वहाँ पर अल्लाह में सर्च किया ठीक है अब अगर मैंने कल या उससे पिछले दिन या कभी हिस्ट्री में मैंने लाइक like हिस्ट्री अगर आपके पास पूरा डेटा वहाँ पर कैश मेमरी में हो तो तो मैंने एल एम सर्च किया तो जो गूगल है जो ब्राउज़र है मेरा वो पहले सर्च करेगा कि कहीं कैश मेमोरी में तो नहीं वो एड्रेस पड़ा हुआ वो यूआरएल पड़ा हुआ तो अगर वो पड़ा होगा तो वो वहीं से मुझे कैश मेमोरी से ही उठा के दोबारा एल एम ओपन करके दे देगा ठीक है इससे क्या होगा टाइम और एफ़िशंसी बच जाएगी लेकिन अगर उसे वहाँ पर कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेगा कि वो उसको फ़र्स्ट टाइम रिजॉल्व करेगा और फ़र्स्ट टाइम उसे मेन सर्वर से आपको लेके देगा ठीक है तो अब क्या होता है कि रिपीटेड क्यूरीज़ वो होती हैं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब एल सर्च किया अपने ब्राउज़र पर तो क्या हुआ कि उस नेम को एक ही बार रिजॉल्व किया गया ठीक है उसके बाद अगर मैं उसी सेशन के अंदर रहते रहते दस बार भी अगर मैं एल सर्च कर लूँगी तो वो कैशिंग की मैकेनिज़म की वजह से मुझे रिपीटेड क्यूरीज़ के ज़रिए से बार बार मिलता रहेगा ठीक है, है यही कॉन्सेप्ट इस स्लाइड में बताया हुआ है इसको रीड कर लें अच्छा फिर आ जाता है पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट स्केलेबिलिटी अच्छा पीयर टू पीयर्स के पीयर देखें कोई आपका क्लाइंट हो सकता है कोई कंप्यूटर दो डिवाइस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो जो पीयर टू पीयर्स के होती है उसकी मैकेनिज्म ये है कि इसमें कोई भी एक जो कंप्यूटर है पीयर टू पीयर में जो भी दोनों मतलब दोनों एंड्स पे कनेक्शन के जो एक एक कंप्यूटर इन्वॉल्व है अगर वो लाजमी नहीं है कि वो दोनों हर वक्त जो है वो ऑन आपको सर्वर मिलेगा ठीक है और उसके अलावा एंड सिस्टम्स जो हैं वो डायरेक्टली और आर्बिट्रेली लाइक विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी दो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन बना सकती हैं ये इंटरमीडिएटली कनेक्टेड होती हैं इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ और इसके अलावा इसके जो आई पी एड्रेस होते हैं वो भी एक दूसरे से होते हैं चेंज ठीक है अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का ठीक है फाइल uh, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो अब आप अगर आपको याद हो तो यहाँ आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से निकल के पीयर टू पीयर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ फाइल्स या नंबर ऑफ़ पीयर्स जो वेट कर रहे थे कि भाई उन्हें फाइल मिले डिवाइडेड बाय अपलोड टाइम टेकन बाय सर्वर ये था ना तो यहाँ पे देखें कि एन एफ़ की जगह सिंपल आपके पास एफ़ बाय यू एस एफ एफ बाय और फिर डाउनलोड टाइम ये सेम है फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें कि एक फैक्टर जो है वो आपके पास एडिशनल जो है वो इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है देखें डी पी टू पी लाइक क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आपके पास ले रहा होता है फिर उसके बाद एफ जो है वो साइज़ ऑफ फाइल है बिट्स में ये या आपने याद रखना है फिर उसके बाद uh, कह लें कि एन वो है कि वो नंबर ऑफ़ पीयर्स या वो नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स या वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो फाइल की कापी लेने के लिए वेट कर रहे हैं फिर डी इन क्या है डाउनलोड रेट यूएस क्या है अपलोड रेट बाई सर्वर ठीक है और उसके अलावा यहाँ पे देखें यू तो मैंने आपको बता दिया क्या है और ये समेशन वन से एन तक जो जा रही है वो है यू तो इसका क्या मतलब है कि टोटल जो अपलोड कैपेसिटी है वो सर्वर कितना टाइम लेगा प्लस डिफरेंट जो फाइल्स हैं ये डिफरेंट जो कह लेंगे पीयर्स हैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैं वो अपनी अपनी फ़ाइल अपलोड करने में कितना टाइम लेंगे उनकी उनको जमा करना है और फिर उसको एंड पे आपने ऐड कर देना है यू के साथ साथ लाइक सर्वर कितना टाइम ले रहा है ठीक है तो ये जो फैक्टर ऐड हुआ है वो एन तो मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर ऑफ पीयर्स जो वेट कर रहे हैं कि भाई उन्हें फ़ाइल की कॉपी मिले डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे अपलोड आपके पास जो है वो टोटल कह लें कि अपलोड कैपेसिटी है अब यह अपलोड रेट है किसका सर्वर का प्लस जितने भी पीयर्स कनेक्टेड हैं उनका भी अलग अलग से अपलोड टाइम जो है वो आपने प्लस करना है तो ये आपका डिनोमिनेटर बनता है अच्छा अब टॉरेंट्स या जिन्हें हम बिट टॉरेंट कह रहे होते हैं उनकी एफिशिएंसी की बात आ गई तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं देखें टोरेंट uh, क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीयर टू पीयर कनेक्शन में समझ लें कि दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो एक पीयर पहला कंप्यूटर कंप्यूटर है और दूसरा पीयर दूसरा कंप्यूटर कंप्यूटर भी तो जो टोरेंट होता है वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीयर्स होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ़ कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होती हैं जो चंक्स ऑफ़ फाइल जो हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रही हूँ लाइक फ़ाइल के पीसीज अगर आपस में शेयर किए जा रहे हों एक पूरे ग्रुप ऑफ़ पीयर्स में तो उसको हम मिला के टोरेंट और अगर वो बिट फॉर्मेट में कर रही हैं तो वो आपके पास आ जाता है बिट टोरेंट ठीक है अब ट्रैकर जो है वो नाम से पता चल रहा है कि ट्रैक करता है आइडेंटिफाई करता है पता लगाता है कि कौन कौन से पीयर्स कौन कौन से क्लाइंट्स कौन कौन से कंप्यूटर्स आपके टोरेंट में या चंक ऑफ फाइल के एक्सचेंज होने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होता है ट्रैकर ठीक है तो यहाँ देखें न्यू पीयर लाइक कोई न्यू कंप्यूटर जो है वो अराइव हुआ अच्छा न्यू कंप्यूटर अराइव हुआ फिर क्या होगा कि ट्रैकर उसको लिस्ट ऑफ़ पीयर्स देगा और फिर वो पहले चेक करेगा कि टोरेंट में जो है वो यहाँ पे मैं वेल सूटेड हूँ या नहीं और फिर उस हिसाब से जो Uh, मतलब नया पीयर होगा वो उस बिट टोरेंट में पार्टिसिपेट करेगा और चंक्स ऑफ फाइल एक्सचेंज कराने में हेल्प आउट करेगा ठीक है अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बिट टोरेंट की एफिशिएंसी को जो है वो अफेक्ट करते हैं हाइड्रोजीनियस अपलोड कैपेसिटी के डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट एक्सटेंशन कह लें या कैटेगरीज की फाइल्स अगर अपलोड हो रही हैं तो उसकी एफिशियसी उससे भी टोरेंट्स की एफिशेंसी पर फ़र्क पड़ता है फिर उसके अलावा Uh, जो लाइक like, um, हम नेबर्स जो अपने सेलेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये पियर है तो इसके कौन कौन से नेबर हैं ये ये तो इसके लिए डिफरेंट मेकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं तो जितने डिफरेंट मेकनिज़म्स नेबर्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी एफिशेंसी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले उसमें कर रहे होते हैं उसके अलावा जो पियर्स हैं वो जियोग्राफिली जोग्राफिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी लैंड का पार्ट है या वर्चुअल लैंड में हैं या वैन एरिया है मतलब ज़्यादा ब्रॉड एरिया है फिर लोकल बिट टोरेंट क्लाइंट्स का क्या डाउनलोड रेट है फिर पीयर्स को कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए कौन सी पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाती है ठीक है फिर यहाँ पे आ जाता है कि आपने बिट औरट की जो एफिशेंसी फाइंड करनी है उसके लिए अगेन आपके पास एक फार्मूला आ गया इसमें है टी बिट टोरेंट माइनस टी सी एस एफ डी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई सी एस एफ डी अब सी एस एफ डी जो है वो क्या है क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सर्वर फाइल डाउनलोड ठीक है और ये जो टाइम टेकन बाय बिट टेंट अब असल में ये बिट टॉरेंट की एफिशिएंसी की जो फार्मूला है वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है कि बिट टॉरेंट के ज़रिए से अगर हम जंगस ऑफ फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करते हैं एक्सचेंज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा और अगर हम क्लाइंट सर्वर फाइल आर्किटेक्चर के ज़रिए से वो फाइल डाउनलोड करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो कितना टाइम लगेगा तो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होंगी तो आपने जो है वो सिंपल उनको जो है वो प्लेस कर देना है अच्छा तो अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास लेक्चर नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्स विच इज़ रिलायबिलिटी ऑफ सर्कुलर डी एस टी अब डी एस टी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स और ये जो सर्कुलर डी एस टी है ये सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स एक बेसिकली एलगोरिदम कह लें या मेकेनिज्म है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि फाइल्स को शेयर करना जो है वो ज़्यादा बेटर वे में हम कर सकते हैं ठीक है थीके? जैसे अभी हमने पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग पढ़ी जिसमें बिट टोरेंट्स आपके पास आ जाते हैं इसी तरह नेटवर्क के फ़्लो को और उसकी पूरी फाइल शेयरिंग सिस्टम को ज़्यादा स्केलेबल और रिलायबल बनाने के लिए जब हम सर्कुलर डी एस टी टेबल्स हैजटेबल्स में वो यूज़ करते हैं अब ये लॉजिकल रिंग यूज़ करता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल और ये बेसिकली क्या करता है कि अब इसमें ये नोड्स हैं वन थ्री फोर फाइव एट टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ठीक है 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, ये डिफरेंट नोड्स हैं कह लें डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट क्लाइंट्स हैं अब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल में कोई हैश की जो है वो यूज़ होती है और समझ लें कि अगर यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि ट्वेंटी आपके पास जो है वो कीज़ हैं या ट्वेंटी नंबर्स तक आपकी की होनी चाहिए तो हर नोड के पास ना एक रेंज होती है लाइक जो नोड वन है वो कहेगा मैं वन से फ़ाइव तक की कीज़ को जो है वो डील करूँगा फिर थ्री कहेगा कि मैं सिक्स से टेन तक की करूँगा फिर फोर कहेगा कि मैं इलेवन से फिफ्टीन तक फिर ये सिक्सटीन से ट्वेंटी तो मतलब हर नोट जो है ना वो एक अलग अलग रेंज ऑफ की वैल्यू पेयर्स को जो है वो इंटरटेन कर रहा होता है उनको डील कर रहा होता है अच्छा अब और लाइक अब किसी नोट ने यहाँ पे अगर आके ऐड होना है तो फिर क्या होगा कि वो पहले चेकआउट करता है उस हैश टेबल को उस राउटिंग टेबल को यूज़ करके जैसे हम फिंगर टेबल्स भी कहते हैं किसी किसी नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में और लाइक फिर क्या होता है कि पहले वो गेस करता है कि मैंने कौन सा जो है वो नोड मेरे लिए वेल सूटेड है फिर वो वहाँ पे आके ऐड जाता है खैर हम यहाँ पे देखें अब हमने अगर टू का होप काउंट रखा है तो वन से आपने आप गए फाइव पे फिर फाइव से गए टू पे ट्वेल्व पे फिर ट्वेल्व से फिफ्टीन और वन स्किप किए थ्री पे फिर थ्री से फ़ोर और फाइव स्किप किए एट पे फिर एट से टेन ट्वेल्थ स्किप किए फिफ्टीन पे तो मतलब ये इस तरह हम के पास पूरा जो है वो लॉजिकल रैंक बन जाता है अब यहाँ पे जो है वो लाइक आपको फेल्ड नोड्स की फ्रैक्शन दी हुई है और फिर फेल्ड लुकअप्स लुकअप्स जो हैं वो राउटिंग टेबल्स या हैश टेबल्स में कोई की वैल्यू पेयर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और फेल्ड है नोड्स वो हैं जो अपना कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर इस्टेबलिश नहीं कर पाते ठीक है इसमें यही स्लाइड में इंपॉर्टेंट था अच्छा उसके अलावा अब ये बहुत एक्सटेंसिव सा फॉर्मूला है इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको बस आपने एक बार देख लेना है के कॉस्ट ऑफ रिलायबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं लीव सेट कीप अव मैसेजेस एवरी टी सेकेंड्स अब कीप अव मैसेजेस का ये मतलब होता है कि हर नोट जो है वो एक मैकेनिज़म एक प्रोटोकॉल के ज़रिए से ये बात मेक श्योर करता है कि जो उसके नेबर्स हैं वो अभी अलाइव हैं या उन्होंने अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है टर्मिनेट नहीं किया फिर ये जो है ये बताता है आपको कि कितना टाइम लगेगा लाइक राउटिंग टेबल तक एक्सेस लेने में और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स हासिल करने में फिर 128 और ये जो आपको डिवाइडेड बाय बी नज़र आ रहा है ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और फिर उसके बाद टू रेस्ट बार बीच जो आपको नज़र आ रहा है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और इसके अलावा इनकी जो है वो हम समेशन कंप्यूट करते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि टोटल नंबर कितना है आपके राउटिंग टेबल में मौजूद इंट्रीज़ का अच्छा जी अब यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म ये जो रह गया है ये आपको लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नज़र आ रहा है या ओवरऑल जो अभी पैरंथीसिस में जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो शो कर रहे हैं इस फॉमुला को एक बार देख लेना है सो so दैट अगर कोई इस तरह वैल्यूज़ आपको नोमेरिकल्स की फॉर्म में दी हूँ तो कैलकुलेट इसको कर लेना है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा अच्छा जी अब प्रॉब्लम सेट वन की बात करते हैं विच इज़ बेसिकली लेक्चर नंबर वन इसमें अब नेटवर्क लेटेंसी लेटेंसी क्या होता है इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिले कि आपका सेंडर जो है जब वो डेटा सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वो डेटा जब रिसीव करता है तो बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग जो आपको डिले या जो लेट टाइम आपको फेस करना पड़ता है वो बेसिकली लेटेंसी बता रहा होता है कि ये इस नेटवर्क की लेटेंसी है ठीक है अच्छा अब यहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क है किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो जो सेटअप हुआ हुआ है और वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है ठीक है उसमें ऑब्जेक्ट साइज़ आपके पास एट फिफ्टी थाउजेंड बिट्स है फिर उसका रिक्वेस्ट रेट आपके पास सिक्सटीन रिक्वेस्ट पर सेकंड है और उसके अलावा ऑन एवरेज हर सेकेंड में जो है लाइक एस टी टी पी रिक्वेस्ट जो है वो हर थ्री सेकेंड्स के बाद जो है वो कह लें कि डील की जाती है तो इसमें आपने जो है वो अगर दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी टोटल एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और एवरेज इंटरनेट डिले ठीक है तो अब यहाँ पे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपने क्या करना है कि इसके लिए फॉर्मूला आपने अगेन पेज एंड पेन के साथ लिख लेना है कि सम ऑफ एवरेज एक्सेस डिलेज अगर आपको बता दिया जाता है कि इतने इतने एक्सेस डिलेज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं तो आपने उनका एवरेज रिस्पांस टाइम निकालना है तो आपने क्या करना है कि उन सबको प्लस कर लेना है तो आपको टोटल एवरेज रिस्पांस टाइम मिल जाएगा इसी तरह अगर एवरेज एक्सेस डिले आपने फाइंड आउट करना है तो आपने ये वाला फॉमूला यूज़ करना है डेल्टा इंटू वन माइनस डेल्टा बीटा अब इसमें डेल्टा एवरेज टाइम है और बीटा जो है वो अराइवल रेट है लेकिन अगेन इस तरह के इतने कॉम्प्लेक्स कम्पटिशन एंड कैल्कुलेशन वाले फॉर्मूलाज और नोमरिकल्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं बहुत सिंपल और इस तरह के ईजी वाले फॉर्मूलाज और कैल्कुलेशन भी आ, इस सलेबस में या इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस कर लें ये अगर आप यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर्स देख लें तो ये आपके टीचर ने नहीं सॉल्व करवाया हुआ तो अगेन अगर हम इसको फिर से सॉल्व करने बैठे हैं तो ये पाँच छः पेजेस का पूरा नोमेरिकल और स्टेट्स का क्वेश्चन बन जाना है सो फॉर द टाइमिंग इसमें आपने जो है वो जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं वो आपने याद कर लेना है अच्छा अब यहाँ पे ये यह फार्मूलाज आपने देख लेने हैं अब नेटवर्क लेटेंसी में अगेन कुछ मिस रेट की बात देखें मिस रेट आपके पास आ जाता है पॉइंट फोर या जीरो पॉइंट फोर वैल्यू है और एक होता है हिट रेशो ठीक है तो मिस मिस रेशो वो होती है कि जब हम गूगल पे या किसी भी वेब इंजन पर हम सर्च करते हैं तो अगर जो है वो उसे कैश मेमरी से नहीं मिलती और उसे मेन सर्वर से फेंच करके लानी पड़ती है तो वो होता है मिस रेट जैसे फोर्टी परसेंट यहाँ पर वैल्यू दी हुई है जीरो पॉइंट फोर जिसे हम कहेंगे और इसी तरह जो है वो अगर हम हिट रेशो फाइंड करें तो वन में से आपने जो है वो पॉइंट फोर माइनस करना है तो आपके पास बच गया पॉइंट सिक्स और लाइक हिट रेशो होगी कि आपको कैश मेमोरी से जो है वो ईज़िली मिल गया अच्छा आप यहाँ पे देखें कि सपोज़ कि आपके पास एक एस टी एम एल फाइल है और उसमें टोटल जो है वो एट शोट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने जो है वो लाइक like कनेक्शन कितने बनाने हैं फाइव और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि ये नॉन परसिस्टेंट एस टी टी पी कनेक्शन एंड एज आई वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉन परसिस्टेंट एस टी टी पी कनेक्शन वो होता है जिसमें परसिस्टेंस नहीं होती कि हर बार जब भी हमने मैसेज या कोई ऑब्जेक्ट सेंड करना होता है अक्रॉस द चैनल तो फिर से आपको नया टीसीपी फिर से नया टीसीपी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है तो इस सारे सिनेरियो को देख के आपने ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा कितना राउंड ट्रिप टाइम लगेगा इस पूरे सिनेरियो में तो अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है यहाँ पे लाइक like, जब फर्स्ट टाइम कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो वो फर्स्ट टाइम तो बनना ही है टी कनेक्शन है ना तो फर्स्ट टाइम के लिए हम टू टाइम्स काउंट करेंगे राउंड ट्रिप टाइम और फिर एट ऑब्जेक्ट्स थे एक के लिए जो है वो तो आपने कह लिया कि टू टाइम्स जो है वो आपने जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है बाकी कितने रह गए सेवन तो सेवन जो बाकी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन वन यूनिट जो है वो लेंगे तो अच्छा जी अब तो हम कैसे कैल्कुलेशन कर रहे थे कि जो फर्स्ट टाइम हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया उसके लिए हुआ टू टाइम टू यूनिट्स और फिर आपके पास जो है क्योंकि यहाँ पे देखें हमने निगलेक्ट करना है ट्रांसमिशन टाइम को ठीक है ना तो इसकी ज़्यादा नीटीग्रिटी में हमने नहीं जाना ओवरऑल बस आपने देखना है कि जो आठ ऑब्जेक्ट हैं उनमें से पहला जो है वो टू टाइम्स लेगा टू यूनिट्स लेगा और जो बाकी सात हैं वो वन वन लेंगे तो सेवन प्लस टू आपके पास कितना हो गया नाइन ठीक है और फिर अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन है तो वो था कि इस ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि कनेक्शन हमेशा जो है वो क्लाइंट की साइड से स्टार्ट होता है लेकिन फिर एच या जो भी मेन आपका सर्वर होता है वो फिर कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर रहा होता है फिर वो पूरा एक चैनल टी का सेटअप या कुछ भी इस तरह का बना रहा होता है ठीक है तो ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया नाइन और फिर अब ये क्योंकि नॉन परसिस्टेंट है तो हर आपके पास जो है वो कनेक्शन को हर एस टी टी पी कनेक्शन को हर ऑब्जेक्ट को डेटा सेंड करने के लिए टू टाइम्स जो है वो राउंड ट्रिप टाइम लगेगा तो ऊपर आपके पास एट सॉरी नाइन टोटल काउंट हुआ था और नीचे जो है वो हमारे पास टू टाइम्स हर कनेक्शन को इस्टेब्लिश होना है तो आपके पास कितना हो गया नाइन टू हज़ार एटीन तो ये आ जाता है एटीन राउंड ट्रिप टाइम्स इस एम सी क्यू का आंसर जो है वो है एटीन राउंड ट्रिप टाइम्स ठीक है अब बात आ जाती है प्रॉब्लम सेट टू की विच इज़ लेक्चर वन ज़ीरो एट अब इसमें अगेन हमने देखना है कि सपोज दैट पीयर थ्री लर्न दैट पीयर फाइव हैज़ लेफ्ट हाउ डज़ पीयर थ्री इट सक्सेसर स्टेट इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पीछे जो डिस्ट्रीब्यूटेड uh, है स्टेबल पढ़ गए हैं डी तो मैंने आपको बताया था कि हम लॉजिकल रिंग जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं अब लॉजिकल रिंग में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नोट्स या कंप्यूटर्स या क्लाइंट्स कह लें कि वो नज़र आएंगे पीयर्स जिन्हें हम कह रहे हैं ठीक है अब वो कह रहे हैं कि पीयर थ्री जो है जो कंप्यूटर थ्री है उसे पता चला कि जो कंप्यूटर फाइव है उसने कनेक्शन लीव कर दिया है वो नेटवर्क छोड़ के चला गया तो अब जो पीयर थ्री है अगर उसने अपनी इन्फॉमेशन को अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट करेगा वो किससे पूछेगा कि मैं कैसे अपडेट करूँ अब ऑप्शन हैं आपके पास ये टास्क पीयर फ़ोर के वो पीयर फोर से पूछेगा कि मैं क्या करूँ पीयर एट से पीयर टू से या नन ऑफ द अबव तो अब देखें सक्सेसर और प्री डिसेसर प्री डिसेसर कहते हैं अनसेसरस को जो पिछला आपका नोड होगा जो पिछला पीयर होगा या पिछला कंप्यूटर क्लाइंट होगा ठीक है अब सक्सेसर होता है अगले वाला अब अगर फॉर एग्जांपल रिंग में सारे जो हैं वो कन्जेक्टिवली लिंक्ड हैं पीयर थ्री पीयर फोर पीयर फाइव तो अब अगर अगर कनेक्शन से या नेटवर्क से या रिंग से पीयर फाइव चला भी जाता है छोड़ के तो पीयर थ्री का तो सक्सेसर कौन है पीयर फोर तो डेफ़िनेटली अगर उसने अपने राउटिंग टेबल की अपने हैश टेबल की कोई इंफॉर्मेशन अपडेट भी करनी है तो वो अपने सक्सेसर से ही पूछेगा ना लाइक जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है समझ लें कि उससे पूछेगा तो पीयर थ्री का जो अगला पियर है जो अगला नोड है वो बनता है पीयर फोर तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो बन जाती है कौन ऑप्शन ए विच इज़ इट आस्क पीयर फोर ठीक हो गया अच्छा आप यहाँ पे एक और नोमरिकल टाइप आ जाता है कि आपके पास एक लिंक है जिसका डेटा रेट है वन मेगाबिट पर सेकेंड और उसमें जो हर यूज़र है वो टू हंड्रेड किलोबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और वो 20 परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो एक्टिव हो एक्टिव है तो टोटल कितना होता है हंड्रेड परसेंट लाइक अगर आपने अपनी बैंडवेड को मैक्सिमम यूज़ करना है तो वो होती है हंड्रेड परसेंट तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जितने भी यूज़र्स आपके नेटवर्क से आपके कनेक्शन से लिंक्ड हैं इस्टेब्लिश हैं वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो एक्टिव रहते हैं अब आपने बताना है कि क्या जो है वो प्रोबेबलिटी होगी कि हंड्रेड यूज़र्स में से जो है वो पाँच से ज़्यादा यूज़र एक टाइम पर एक्टिव रहें अगेन आई रिपीट आपके पास कोई लिंक है और उसमें स्पीड है वन मेगाबिट्स पर सेकेंड अब हमें एक कंडीशन उसने बता दी कि भाई ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द टाइम का यूज़र जो है वो एक्टिव रह सकता है ठीक हो गया अब हमने ये प्रोबेबिलिटी ये चांस जो है वो फ़ाइंड करना है कि सौ यूज़र्स में से पाँच से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो एक्टिव रहें आपके पास किसी स्पेसिफ़िक टाइम पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है क्या चांसेज़ हैं यहाँ पे आपने आपके पास डिफरेंट यहाँ पे अगेन आपके टीचर ने सॉल्व नहीं किया हुआ लेकिन अगर हम इसको स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी कि लाइक आप इसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं उसके अलावा बर्नोलिज थेरम जो है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाता है ठीक है पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन उससे भी हो जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन है अब यहाँ पर थोड़ा कंपेरेटिवली आसान ये मुझे लग रहा था तो इसलिए अगर ये नमेरिकल आ जाता है तो आपने जो है वो एक्स इज़ इक्ल टू फाइव के फाइव कि जो है पहले आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है क्यों क्योंकि आंसर में तो लाइक like क्वेश्चन में तो उसने आपसे मोर देन फाइव का पूछा है ना देखें एक्स ग्रेटर देन फाइव का पूछा हुआ है ठीक है तो अब एक्स इज इक्वल टू फाइव का पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये है पी बाई क्यू लाइक पी और क्यू पी है आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स और फिर क्यू है जितने हम चाहते हैं लाइक like फाइव अभी हम कैलकुलेट करें ना तो फिर उसके बाद अच्छा पी सॉरी ये है लाइक सक्सेस रेट है कि फ़ाइव यूज़र्स हों और क्यू जो है वो आपके पास 95 फाइव है और टोटल कितने थे, थे एन लाइक वैल्यू वो हंड्रेड है तो एन और यहाँ पे आ गया पी आपके पास सॉरी अभी हम नेटवर्क मॉडलिंग से स्टेट्स में कहीं गए हैं लेकिन अब नोमेकल ये इस तरह सॉल्व करना था तो सो इस इसलिए अच्छा टोटल कितना था हंड्रेड यूजर्स थे और उसमें से फाइव हमने कैलकुलेट करने हैं और फिर ये पॉइंट टू और पॉइंट एट ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम एक्टिव था परसेंटेज को डेसिमल में करें तो वो जीरो पॉइंट टू आ जाएगा और कोई भी टोटल वन होता है या हंड्रेड होता है तो हंड्रेड में से ट्वेंटी को माइनस किया तो एटी परसेंट एटी परसेंट को डेसिमल में किया तो पॉइंट एट या वन में से पॉइंट टू को माइनस किया तो पॉइंट एट तो आपके पास ये सक्सेस रेशो है ये फेलियर रेशो है सक्सेस वो होती है कि हमने फाइव यूज़र्स फाइंड करने थे तो जो बाकी बचा वो फेलियर रेशो में काउंट होता है ना स्टेट्स में तो अब ये आपने ये फॉर्मूला है ठीक है ये जो एक्सपेरियंट्स में मैंने वैल्यू लिखी है ये मल्टीप्लाई किया सो डोंट गेट कन्फ्यूज ये फॉर्मूला है इसको एक बार फॉमूल को याद कर लें तो अग, अगर वैल्यूज भी चेंज होंगी दैन यू विल बी बेटर एबल टू अटैम्प्ट अच्छा अब एक्स इज टू फाइव का ये आंसर आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना ठीक है अब एक्स ग्रेटर देन फाइव का हमने फाइंड करना ना तो उसके लिए फॉर्मूला था कि वन माइनस पी इन टू एक्स इज इक्वल टू फाइव या अगर आपने स्टैट्स थ्री जीरो वन पढ़ी है या आपने पहले कभी एफ एस सी वगैरह में या किसी और सेमेस्टर में इस तरह का कोई जो है बायनोमिल प्रोबेबिलिटी फॉमूला देखा है तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए तो ये एक फॉमूला है और एक ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ कैसे कैलपुट किए हैं वो मैंने आपको बता दिया अच्छा इसका जो पूरा आंसर आया था आपके पास उसको जब वन से माइनस किया तो आपके पास जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स सिक्स और इसी को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट तो इसका मतलब है कि मतलब है कि वन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है चांसेस हैं कि किसी भी टाइम पे सौ यूजर्स में से आपके पास पाँच से ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे इस वीडियो को एक दो बार इस पोर्शन को रिपीट कर लें अगर आपको नोमरिकल ठीक से नहीं समझ आ रहा और अगर फिर भी नहीं आ रहा देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट या फिर उसे आप अपने एंड से सर्च करके जो है वो समझ लें लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना एक बार देख लें कि सॉल्व कैसे होता है एनी अब हम एच टी टी पी प्रसिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे देखें कि uh, काफ़ी सारी जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट या उनके रिस्पॉन्स होते हैं उनके लिए हम सिंगल टी सी पी कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये कब होता है परसिस्टेंट कनेक्शन में एंड एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन या कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं उनका बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो परसिस्टेंट कनेक्शन होते हैं वो काफ़ी सारी एस या जो भी आपके पास मैसेज रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्स हैं उनको सिंगल टी कनेक्शन के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं और जो नॉन परसिस्टेंट होती हैं दे नीड अ न्यू कनेक्शन एवरी टाइम अच्छा आप एस टी टी पी कैसे इवॉल्व हुआ कैसे उसकी लाइक सक्सेसफुल एवोल्यूशन उसका हुआ सबसे पहले आर एफ सी आपके पास एक प्रोटोकॉल था आर एफ सी सेवन नाइन थ्री और ये नॉन परसिस्टेंट था इसमें भी हर बार जो मैसेज जिससे चेंज एक्सचेंज करने के लिए आपको नया नया कनेक्शन बनाना पड़ता था फिर उसकी एक थोड़ी सी इवॉल्व की चीज़ आई एस टी टी पी वन पॉइंट ज़ीरो और अगेन ये नॉन परसिस्टेंट था ठीक है और इसमें एक और मैकेनिज़म आपको चाहिए होती थी Uh, पूरा सिनेरियो डील करने के लिए कि हम कीप अलाइव मैकेनिज्म यूज़ करें और कीप अलाइव से हमें यह पता चलता था कि uh, अभी कनेक्शन जो है वो अलाइव है लाइक like ऑनलाइन है ऑन है कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ है या टर्मिनेट हो गया ठीक है फिर एस ची टी वी वन पॉइंट वन जो इसका नया वर्जन या नया एवोल्यूशन आया अपडेट होके वो अब बाई जो है वो परसिस्टेंट ही होता है अच्छा जी अब यहाँ पे आ जाता है कि टेम्पलेट है आपके पास डिफरेंट टी सी पी अपलिकेशनस की ये कौन कौन सी अप्लीकेशन वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं उसके अलावा ये देखें इनहेरिटेंस आपको बता रहा है कि ये बेस टेबल है या बेस एप्लीकेशन है और फिर ये डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो इससे जो है वो डेटा फेच कर सकती हैं डिफॉल्ट सपोर्ट यहाँ पे आपको एच डी पी वन पॉइंट वन से मिलती है और उसके अलावा दो मोड ये सपोर्ट करता है पहला मोड है रेंडम रिक्वेस्ट मोड और एक आपके पास है स्क्रिप्टेड मोड रेंडम रिक्वेस्ट मोड में क्या होता है कि ब्राउज़र जो है वो स्टिक स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी हमने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला पड़ा उनको यूज़ करता है और फिर रैंडम लाइक like किसी भी आर्बिट्री वेब सर्वर से रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाती है स्क्रिप्टेड मोड में क्या होता है कि जो ब्राउजिंग बिहेवियर होता है वो पहले से जो वेबसाइट्स एक लिस्ट में पहले से मौजूद होती हैं या स्क्रिप्टेड होती हैं कि हाँ ये वाले होस्ट हैं ये वाली वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपने डेटा फेच करना है जहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करनी है जहाँ से रिसीव करनी है ऑल दैट स्टफ़ सो जब हम किसी स्क्रिप्ट और किसी प्री डिटर्मिन लिस्ट को यूज़ करते हैं प्री डिफाइंड साइट्स को यूज़ करते हैं दैन वी आर बेसिकली यूजिंग द स्क्रिप्टिड मोड एंड इन अदर केस वी आर यूजिंग द रेंडम रिक्वेस्ट मोड अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है सिम्यलेटेड डी एन एस क्यूरी रिस्पांस डी एन एस होता है डोमेन नेम सिस्टम ये हम पहले पढ़ चुके हैं और क्यूरी रिस्पांस होता है कि क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी अब जो डी एन एस है जो डोमेन नेम सिस्टम है जो आपका सर्वर है वो लाइक uh, क्यूरी like का क्या रिस्पॉन्स देगा उसे रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो ये आपके पास जो है उसे हम कहते हैं कि ये डी एन एस क्यूरी रिस्पॉन्स है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास सिंपल जो है वो आ, लिंक दिया हुआ है गेट हाँ का अच्छा डीएनएस डी के डिफरेंट ऑपरेशन हैं इनको आपने याद कर लेना शॉर्ट के हिसाब से इसमें सबसे पहले हम डिफरेंट सर्वर्स को नेम करने के लिए डी एन एस ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसके अलावा अथोरिटेटिव सर्विसेज सर्वर्स विद डी एन एस जोन कन्फिग्रेशन यूजिंग मास्टर फाइल्स मास्टर फाइल्स होती हैं जिनमें आपके पास मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो या इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है और हम किसी स्पेसिफ़िक जोन में रहते हुए अपने सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फिर जो कैश मेमोरी होती है या जो कैश सर्वर्स होते हैं वो जोनस के बगैर भी ऑपरेट हो सकते हैं और उसके साथ भी ऑपरेट हो सकते हैं ठीक है और डी एन एस कैश बेस जो है उसको हम असल में एक्सटेंड भी कर सकते हैं उसको स्केल किया जा सकता है और ये जो कैशज़ या कैश मेमरीज हैं वो डिफ़रेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती हैं ठीक हो गया अब ये डिफरेंट ऑपरेशन हैं बस आपने इनको जो है वो देख लेना इनकी फ़र्दर डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में अच्छा जी अब टी सी भी थ्रेडिंग आ जाती है देखें थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ओवरऑल एक ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपने प्रोग्राम में डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ कोड को जो है वो हम एक वक्त में कंकरेंटली जो है वो रन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम कह लें कि बेटर वे में अपने कोड को जो है वो मैनेज कर सकते हैं उसको सिक्योर भी बना सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है तो अब ये एप्लीकेशन पी थ्री फिर यहाँ पे आपके पास पी फोर है फिर ये पी टू पी थ्री हैं तो ये डिफरेंट लेयर्स लाइक ये अपलिकेशन लेयर पे सारा कुछ जो है वो थ्रेडिट सर्वर्स काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अब ओवरऑल क्या होगा आपके पास यहाँ पे देखें अच्छा तो टी थ्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया कि टी जो है वो डिफरेंट थ्रेड्स के जरिए से अगर ये मतलब डिफरेंट कनेक्शनस को एक ही टाइम पर अगर इस्टेब्लिश करें तो हम कहते हैं कि ये टी सी पी थ्रेडिंग है कि डिफरेंट कनेक्शन एट अ सिंगल टाइम जो है वो एक्जीक्यूट हुए हैं आईनेट सपोर्ट वो टी सी अब यह डिफरेंट कोड्स हैं आर एफ सी के आर एफ सी के जो सबसे स्टैंडर्ड या पुराना ऑबसीट वरियन है एच टी पी का जब भी हम पिछले टॉपिक में देख के आए हैं तो ये आपने जो है ना वो 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 एम सी की उसके लिए और शॉर्ट लॉन्ग के लिए अच्छे से कर लेनी है ये एक तो स्लाइड्स आगे आएंगी आर एफ सी सेवन नाइन थ्री है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एट नाइन सिक्स कंजेशन कंट्रोल है वन वन टू टू रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट होस्ट हैं कम्युनिकेशन लेयर्स पे होती हैं ये वन थ्री टू थ्री टी सी पी एक्सटेंशन है ट्वेंटी एटी सेक्टिव एक्नोलिजमेंट तो इसको जो है वो आपने याद कर लेना है अच्छा अब आर एफ सी सेवन नाइन थ्री जो है ये जो टी सी पी का प्रोटोकॉल है ये असल में क्या करता है कि लाइक इसमें कनेक्शन सेटअप भी किया जाता है कनेक्शन को स्टार्ट भी करते हैं उसको टीयर डाउन लाइक टर्मिनेट भी करते हैं उसमें डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको एक एक करके प्रोसेस किया जाता है एंड डेटा इज़ नॉट येट फॉरवर्डेड कि जब तक प्रियस सिक्वेंस को एक बार अच्छे से रिजॉल्व करके उसको कन्फीगर नहीं कर लिया जाता उसको दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता बिफोर द सेगमेंट प्रोसेसिंग गेट्स कम्प्लीटेड ठीक है उसके अलावा इसमें बफ़र होता है टू कैश अबव सीक्वेंस डेटा जैसे हमने कहा कि भाई सीक्वेंसड सेटअप है सेगमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है तो एक बफर मेमोरी या कैश मेमोरी जो है वो स्टोर मतलब यूज़ की जाती है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखा जाता है और डेटा को पहले एक हिस्से से कम्प्लीट किया जाता है और फिर ही उसके नेक्स्ट एंड तक सेंड करते हैं अब यहाँ पर जो है वो कुछ आपके पास कंपेरिजन आ गए वन और वन पॉइंट वन के अब इसमें गेट पोस्ट हेड इसमें भी हैं और गेट पोस्ट हेड इसमें भी हैं गेट होता है कि आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसके लिए गेट पोस्ट होता है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपने जो है वो उसको अपलोड करना है तो वो पोस्ट और हेड होता है कि उसमें हम सिर्फ हेडर्स है, की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं और बाकी मैसेज वैसे का वैसे रहता है फिर यहाँ पर एक प्रेगमा आपके पास आ जाता है कि आस्क सर्वर टू तो लीव द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रिस्पॉस के अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पांस नहीं आ रहा सर्वर की तरफ से तो सर्वर से पूछ के उसको हम वहीं से टर्मिनेट कर देते हैं इसको हम कहते हैं कि ये प्रेगमा है आपके पास ठीक है आप एस ई टी पी वन पॉइंट वन में आपके पास देखें क्योंकि ये अपडेटेड वरियन है इसमें दो फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो इनहस्ड हैं या एक्स्ट्रा है एक है आपके पास पुट और एक है डिलीट पुट में क्या होता है कि हमने जो भी फाइल अपलोड करनी होती है लाइक क्लाइंट एंड से या सर्वर एंड से तो हम क्या करते हैं कि उसको यू आर एल उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो ये बेसिकली पुट कमांड के जरिए होता है और डिलीट में क्या होता है कि अगेन अगर आपने कोई अनडिज़ायर्ड या अननेसेसरी फाइल को डिलीट करना है तो वो सिंपल हम डिलीट की वर्ड से कर देते होते हैं अगेन यहाँ पे एच ई टी पी रिस्पॉन्से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशन और उनकी डेफ़िशनस आ गई हैं इनको आपने एम सी क्यूज के लिए और शॉर्ट लॉन्ग के लिए देख लेना है टू हंड्रेड का मतलब होता है ओके okay और जब ओके okay की कमांड आपको नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने सेंड की थी वो सक्सीड लाइक सक्सेसफुल हो गई है उसके अलावा मूवड परमानेंटली थ्री जीरो वन जिसका कोड है इसका मतलब है कि जिस कोड जिस ऑब्जेक्ट को हम जो है वो फैच करना चाह रहे हैं वो किसी और लोकेशन परमानेंटली जो है वो चला गया बैड रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सर्वर को समझ नहीं आई नोट फाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सर्वर पे जो है मेन कंप्यूटर पे मौजूद ही नहीं है और 505 जीरो का मतलब है कि जो वरियन है एच का वो सपोर्टेड नहीं है अब यहाँ पे इनहेरिटेंस डायग्राम है कि एच और ब्राउजर और ब्राउजर डायरेक्ट आपके पास मेन या बेस या पेरेंट नोड में मौजूद हैं फिर आगे ब्राउजर बेस देंड यू हैव नोड बेस फिर इसके आगे दो जो वो है वो ब्रांचेज निकलती हैं एक सिंपल मॉड्यूलर एक लाइफ साइकिल की सो so, इस स्लाइड को बस एक बार देख लें अच्छा जी अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टीन यहाँ पर देखें ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ द बिग ब्रदर सो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने वीक सिक्स सेवन में पढ़ा था कि जो एप्लीकेशन लेयर है और फिर उस पर जो है वो क्या क्या फंक्शन उसमें इंक्लूडेड होते हैं या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या क्या एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉसिबल है यहाँ पर अब बात आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर की एप्लीकेशन लेयर से नेक्स्ट अब ट्रांसपोर्ट लेयर को बिग ब्रदर इसलिए कहा गया क्यों क्योंकि एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा को मैनेज करता है ये मेक श्योर करता है कि सेंडर ने जब डेटा सेंड किया और फिर जब रिसीवर ने रिसीव किया तो क्या वो एज़ इट इज़ है क्या उसे पूरा कम्युनिकेशन लिंक जो है वो अवेलेबल रहा या उसमें कोई मॉडिफिकेशनस हो गई या कोई पैकेट ड्रॉप तो नहीं होंगे तो इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर का ही सारा कुछ काम होता है इसलिए हम उसे बिग ब्रदर कहते हैं ठीक है फिर उसके अलावा मॉडलिंग जो है लाइक like, हम ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे मॉडल कर रहे हैं कैसे उसके इस्टेबलिश कर रहे हैं उसमें डिफरेंट फंक्शंस को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को जो है वो लाइक नोट करने के लिए अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट लेयर आपको प्रोवाइड करती है वो है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन फिर ये जो टी लाइक जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर हम रिलाइबल टी सी पी सर्विस इस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं फिर उसके अलावा कनेक्शन सेटअप लाइक कनेक्शन स्टार्ट इसे हो जाता है फ़्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल क्या होता है कि एक विंडो शायद आपको याद हो हमने आई गेस सी एस सिक्स टेन में पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि कंजेशन कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल ये होता है कि एक विंडो का साइज़ होता है विंडो साइज़ जिसे हम कहते हैं और वो होता है कि मैक्सिमम डेटा सेंडर कितना सेंड कर सकते हैं और रिसीवर कितना अपने चैनल से गुजारता है वो उसको रिसीव कर सकता है तो अगर हम उससे ज़्यादा जो है वो डेटा को सेंड करने की कोशिश करें तो वो कंजेशन का सिनेरियो आपके पास आ जाता है और इसको जो है वो हम फ्लो लाइक like, इस ओवर फ्लो की कंडीशन को हम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है वो डील करते हैं उसके अलावा इसमें जो यू होता है वो अन है और उसमें कोई सीक्वेंसेस फॉलो नहीं होते तो वो अन ऑर्डर डिलीवरी है लेकिन ये बेस्ट एफर्ट आई पी इसलिए इसको कहा है क्यों क्योंकि ये टॉप ऑफ द आई पी लेयर या इंटरनेट प्रोटोकॉल के टॉप टॉप पे ये यू डी पी जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है और जो आई पी के टॉप एरियाज़ हैं वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी को मेक श्योर कर रहे होते हैं तो इसलिए यू डी पी का जो है वो बेस्ट एफर्ट आई पी कहते हैं लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट या डिस्पाइट दिस थिंग क्या होता है कि कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल में जो है वो अवेलेबल नहीं है लाइक like आपको जो यू है वो डिले नहीं गारंटी करता कि ए हर डिफरेंट पैकेट्स सेंड होने में कितना डिले या कितना कितना टाइम लगाएंगे सेम लगाएंगे या उनमें वेरिएशन आएगी इसी तरह बैंडविड की भी कोई गारंटी नहीं होती अच्छा अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर है अगर आपको याद हो कि हमने प्रीवियस वीक में जो है वो यहाँ एप्लीकेशन के डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन uh, लेयर का जो है वो डिफरेंट सर्विसेज़ देखी थी अब ट्रांसपोर्ट लेयर में कनेक्शन ओवरहेड वगैरह ये डील करता है फिर स्केलेबिलिटी एफिशिएंसी लेटेंसी कंजेशन और ओवरफ्लो ये सारा कुछ है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे देख रहते हैं अच्छा जी अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें कि डिफरेंट प्रोसेस होते हैं सेंडर की साइड पर वो पहले उनको मल्टीप्लेक्स करता है मल्टीप्लेक्स कैसे करता है यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है समझने जिसको हम मक्स कहते हैं तो जैसे हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ते हैं या एनोलॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनोलॉग तो मतलब इस तरह का सिनेरियो है प्रोसेस जो हैं वो मल्टीप्लेक्सर से गुजरते हैं या मक्स से गुजरते हैं और वो एक चीज़ में कंबाइन हो जाते हैं और उनका एक सिंगल आई एड्रेस बनता है वो रिसीवर साइड पर जाता है और आई एड्रेस वो रिसीवर तो रिसीव कर लेता है लेकिन अब उसे डिफरेंट प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए उसे फिर से मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग uh, जो की थी उसको डीम मल्टीप्लेक्स करने की ज़रूरत होती है उसके लिए यहाँ पे एक डी मक्स लगा होता है ठीक है तो डी मक्स जो है वो फिर आई पी एड्रेस को डिफरेंट प्रोसेस में ट्रांसलेट कर देता है अच्छा अब यहाँ पे अनसाइंड सिक्सटीन बिट इंटीजर फाइंड करने के लिए फॉर्मिला है टू रेस्ट पार एन माइनस वन यहाँ पे थर्टी टू बेटिन टीचर होगा तो आपने टू रेस्ट पार थर्टी टू माइनस वन कर देना है इसी तरह समझ लें एट बिट इंटीजर होगा तो टू रेस्ट पार एट माइनस वन कर देना है और ये वैल्यूज आपने कैलकुलेटर्स जो है वो कर लेनी है फाइंड अच्छा आप यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है और उसके अलावा ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये रिसोर्स एलोकेशन है या टाइम है हम डिफरेंट लाइक मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस को या डिफरेंट प्रोसेस को कितने रिसोर्स एलोकेट करते हैं अगर ये आपका नेटवर्क जो है वो लाइक like, कर फॉलो कर रहा है तो वो ऑप्टीम एलोकेशन है कि इतनी होनी चाहिए कि मुनासिब और फाइन ग्रेंड होती है कि हंड्रेड एंड टेन परसेंट आइडियल के अगर वो डिस्क्रीट स्टेप्स ये वाले फॉलो कर रहे हैं और कोर्स ग्रेंड री एलोकेशन वो होती है जो बिल्कुल वर्स्ट हो ठीक हो गया जो मतलब हर हाल में अनडिज़ायरेबल होती है अच्छा जी फिर यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ गया विच इज़ वन फिफ्टीन मल्टीप्लेक्सिंग कम्युनिकेशन लिंक अब यहाँ पे कुछ आपको बताइए कि ये जैसे देखें सिक्स स्लॉट फ्रेम्स हैं तो अब ये डिफरेंट लाइक यहाँ पे आपके पास ये एक स्लॉट है ये एक स्लॉट है ये एक स्लॉट है, है मतलब इस पूरे फ्रेम में इत, मतलब छः स्लॉट्स में से ये तीन जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं तो फ्रिक्वेंसी बैंड जब इसके बनेंगे तो ये जो तीन स्लॉट्स हैं वो अलग अलग जो हैं वो आपके पास

जितनी जो है वो आपको रिसोर्स किसी मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए चाहिए वो ऑप्टीमल के मुकाबले में कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं वो आपको बताते हैं कि कैपेसिटी ओवर ठीक है और इसके अलावा आपको यहाँ पे आर प्रैक्टिकल और ऑप्टीमल आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें जो ऑप्टीमल है वो बताते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन किसी खास टाइम टी पे जितने भी रिसोर्स ले रही है ऑप्टीमल स्कीम को यूज़ करके वो और आर प्रैक्टिकल आपको बताएगा कि किसी भी टाइम पर कोई एप्लीकेशन जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्स ले रही है प्रैक्टिकल स्कीम के अकॉर्डिंग ऑप्टीमल वो होता है जो डिज़ायर्ड होता है और प्रैक्टिकल वो होता है जो रियल टाइम में हो रहा होता है ये फॉर्मूला इसको आपने देख लेना फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ है गेन इन स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे देखें कि आपको बताया हुआ है कि हर यूज़र जो है जब भी वो एक्टिव होगा तो हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो डेटा को सेंड करेगा और वो टेन परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो एक्टिव रहेगा ठीक है तो स्ट्रिक्ट मल्टीप्लेक्सिंग में जो है ना वो सब कुछ फिक्स्ड होता है इसीलिए हम उसको स्ट्रिक्ट मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं तो यहाँ पे देखें कि आपके पास टेन परसेंट ऑफ़ द टाइम वो एक्टिव है और टेन यूज़र्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्ट्रिक्ट मल्टीप्लेक्सिंग के तो टेन को टेन परसेंट से आपके पास डिवाइड अगर हम करें तो आपके पास इसका ये मतलब बनता है कि एक मतलब दस में से एक यूज़र जो है वो हंड्रेड किलोबिट्स पर सेकंड जो है वो डेटा को सेंड कर रहा होगा इसी तरह तो जो स्टेटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग है इसमें थर्टी फाइव यूजर्स तो उसने बता दिए और स्टेटिस्टिकल वो होता है जो डिफरेंट राउटिंग टेबल या स्टैटिटिकल टेबल्स जो है वो यूज़ करके होता है और ये कंपेरिटिवली डायनामिक होता है लेकिन इसकी इसने आपको प्रोबेबिलिटी तो बता दी कि ग्रेटर दैन टेन है लेकिन एट द सेम टाइम इज़ लेस दैन पॉइंट ज़ीरो जीरो फोर तो इससे ओवरऑल क्या हुआ कि जो हमारे पास कह लें कि जो नेटवर्क की ओवरहेड uh, होता है आपके पास डेटा uh, को सेंड करने का वो कंपैरेटिवली स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में कम होता है यहाँ पे आपने यही बात याद रखनी है कि स्ट्रिक्ट मल्टीप्लेक्सिंग और स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग में ऐसे क्या डिफरेंस है सो दिस वाज ऑल अबाउट वीक नंबर एट इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट अगर एक बार नहीं समझ आती तो दोबारा सुन लें अगर दोबारा नहीं आती दैन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपको नहीं समझ आया दैन आई विल मेक श्योर कि आपको आ जाए ठीक से समझ सो so, इसमें दिस वॉज ऑल अबाउट From lecture number 101 to 115. So, if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Huda office.